भूतिया अस्पताल 2। अब तक आपने देखा समाधि में लगी एक अघोरी बाबा को बीमार समझ के दो लड़का जंगल से उठा के गांव की एक सरकारी अस्पताल में लेके आते हैं, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ समझ के पोस्टमार्टम कर देता है, जिससे अघोरी का मृत्यु हो जाता है और उसका जीवन भर का तपस्या भंग हो जाता है। गुस्से में आकर बदला लेने के लिए अघोरी का आत्मा सबको मार देता है और उस दिन से जो भी उस अस्पताल में 6 बजे के बाद रहता है उसका दर्दनाक मौत होता है। ये मृत्यु का सिलसिला चलता ही रहता है। कोई और उपाय ना देखकर सरकार वो अस्पताल बंद करने का सोचता है। तभी एक नर्स को एक उपाय मिलता है। डॉक्टर, मुझे और एक अघोरी बाबा के बारे में पता चला है, जो इस गांव के पास वाले जंगल में हाल ही में रहने आया है। सुना है वो सबका मदद करता है। अगर हम लोग इस अघोरी के आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस अघोरी बाबा से मदद मांगे तो? वो भी तो एक अघोरी है, मदद करने के बजाय हालात और भी खराब कर दिया तो? इससे और क्या खराब होगा सर, ये अस्पताल तो वैसे ही बंद होने वाला है। एक आखिरी कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलो जाके देखते हैं। उस रात को दो लड़के इसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, अचानक गाड़ी संतुलन खोकर एक पेड़ से जाकर टकराती है। इससे चलाने वाले के सर पे गहरा चोट लगता है। तुझे तो सर पे चोट लगी है, खून बह रहा है, चल पास में एक अस्पताल देखा, वहां चलते हैं। तो दोस्त अस्पताल में आते हैं। घायल दोस्त को बेंच पर बैठा के दूसरा लड़का डॉक्टर को ढूंढने अंदर जाता है। वहां उसका अघोरी के आत्मा से सामना होता है। अघोरी भयानक हंसी हंसता है, फिर वो उस लड़के का गला पकड़ के उठा लेता है और गला दबाकर मार देता है। दोस्त की चीखने की आवाज़ सुन के घायल लड़का भी जल्दी से उस कमरे में आ जाता है और उसका भी वही हाल होता है और फिर सुनाई देता है अघोरी का भयानक हंसी। अगले दिन, प्लीज सर, हमें और देर करना नहीं चाहिए। तुम ठीक कहती हो, आज शाम को ही चलते हैं। जंगल में जो अघोरी बाबा रहने आया है उसका उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो बाकी अघोरियों की तरह तपस्या में मग्न रहता है, लेकिन उससे किसी का भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन भी रोज की तरह वो तपस्या कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी की चीख सुनाई दिया, बचाओ, कोई बचाओ! उस औरत की चीख सुनकर अघोरी जल्दी से उठकर इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते हुए वो नदी के किनारे पहुंचे। वहां वो औरत पानी में डूब रही थी। अघोरी अपनी शक्ति से उसको इतना हल्का कर दिया कि वो पानी के ऊपर तैरने लगी। वो औरत तब पानी के ऊपर खड़ी हो गई और चल के किनारे आ गई। अब आप चल के आ जाइए। आके अघोरी को प्रणाम किया। ठीक है, घर जाइए। वो औरत जब घर लौट रही थी तब रास्ते में वो डॉक्टर और नर्स मिलते हैं। सुनिए, यहाँ जो अघोरी बाबा रहते हैं वो कहाँ मिलेंगे, बता सकते हैं? जरूर, आज उन्हीं की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। आप लोग इसी रास्ते से सीधे चले जाइए, बाबा मिल जाएंगे। शुक्रिया। वो लोग तब उस रास्ते पकड़ के चलने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोगों को मंत्र सुनाई देने लगी। ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। और उसके बाद अघोरी बाबा भी दिखाई दिए। एक पत्थर के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे थे। डॉक्टर तब अघोरी के नजदीक गए, पर अघोरी इतना गहरी तपस्या में लीन था कि डॉक्टर कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। फिर हिम्मत जुटाकर डॉक्टर अघोरी को बुलाया। बाबा, बाबा, आपसे कुछ कहना है। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। अघोरी अपनी आंखें खोलता है, डॉक्टर की तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर से आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर और नर्स हाथ जोड़ के अघोरी के आंख खोलने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद अघोरी फिर से आंखें खोलते हैं।
उसने ये सही नहीं किया। बाबा, वो अस्पताल में। आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब देख लिया है। वह मेरा ही शिष्य था। बदला लेने की चाह में उसने बहुत मासूमों की जान ले ली। यह अघोरियों का धर्म नहीं है, उसे रोकना होगा। मुझे वहां ले चलिए। तब बूढ़ा अघोरी सबके साथ अस्पताल आते हैं। दूर से ही अस्पताल के अंदर से अघोरी की भयानक हंसी सुनाई दे रहा था। जितने पास आए वो हंसी और भी डरावनी लगने लगी। फिर अस्पताल के सामने जाके लगता है आज भी किसी की दर्दनाक अंत हो गई। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे बाबा, आपको अकेले ही जाना होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उसका गुरु हूँ। ये कह के बूढ़ा अघोरी अपना लाठी जमीन पर ठोक के लाठी में बंधी घुंघरू को बजाने लगे और आवाज़ करते हुए अंदर चले गए। उधर गुरु की आवाज़ सुन के अघोरी का आत्मा अपने गुरुदेव को ढूंढने लगे। गुरुदेव, आप कहाँ हैं गुरुदेव? मैं जानता हूँ, ये आप ही की लाठी की आवाज़ है गुरुदेव। अघोरी इधर उधर अपने गुरु को ढूंढता रहा। कुछ ही समय में उसे अपना गुरुदेव मिल गया। गुरुदेव प्रणाम, आप यहाँ? आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? अपने शिष्य की करतूत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपको तो कुछ भी पता नहीं। इस अस्पताल के लोगों ने मेरी जान ले ली, वह डॉक्टर मेरा दिल ले लिया और मुझे अघोरी से एक भूत बना दिया। तू भूत नहीं, एक शैतान बन चुका है, और ये बदला नहीं पाप है। तूने बहुत मासूमों की जान ले ली, तू तो एक अघोरी है, मैंने ही तुझे दीक्षा दिया है। बता अघोरियों का पहला नीति क्या है? जीवन की रक्षा करना ही अघोरियों का पहला एवं प्रधान कर्तव्य है। तू तो अभी भी खुद को एक अघोरी ही मानता है ना, और जान चले जाने से खुद को बहुत बदनसीब समझता है। तो इतने सारे मासूम लोगों की जान तूने किस धर्म से लिया? तू अगर मेरा शिष्य ना होता तो तुझे भस्म कर देता। तेरी मृत्यु तो विधि का विधान था, और डॉक्टर का तेरा दिल निकालना भी, क्योंकि विधि को लिखा था कि तेरा दिल एक लड़के को नई जिंदगी देगा। यहाँ से 250 कोसों दूर शंकर नाम का एक लड़का बहुत बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। उसका दिल ठीक तरह से काम नहीं करता है और कुछ दिन में काम करना बंद ही कर देगा। वह कोई आम लड़का नहीं है, वह शिव का अंश लेके आया है और बड़ा होके बहुत चमत्कार करने वाला है। और तू अपने शरीर और अपने दिल किसी को छूने नहीं देता, कोई कोशिश भी कर ले तो उसकी जान ले लेता है। अगर 2 दिनों के अंदर शंकर को तेरा दिल नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। उस लड़के को मेरा दिल जरूर मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। पर अभी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरे किए का पश्चाताप तुझे करना होगा। अभी तेरी आत्मा मेरे पास ही रहेगी। आप जो सही समझे गुरुदेव। अब मैं डॉक्टर और नर्स को बुला रहा हूँ, तू ठीक से पेश आना, क्योंकि वो लोग तुझसे पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप इस अघोरी का दिल ले जाकर 250 कोसों दूर के एक और अस्पताल में भर्ती शंकर को जाकर दीजिए, उसे इस दिल की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं अगर उसका दिल छूने की भी कोशिश करूँगा तो मुझे मार देगा। नहीं नहीं, डरिए मत डॉक्टर साहब, अब मैं आपका कुछ नहीं करूँगा, आप मेरा दिल ले जाइए। अस्पताल में एक कांच के डब्बे में अघोरी का दिल रखा गया था। उसको लेके बूढ़ा अघोरी के बताए गए अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ कुछ डॉक्टर मिलके शंकर का ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। और इधर बूढ़ा अघोरी मुर्दा घर में अपने सारे शक्ति के साथ यज्ञ करने लगे। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे। और मंत्र के दम पर बूढ़ा अघोरी उस अघोरी के आत्मा को एक कमंडल में कैद कर लेता है। ओम
और यज्ञ खत्म करके वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद अस्पताल से अघोरी का काला साया हट जाता है और शाम के 6 बजे के बाद भी अस्पताल में सभी काम स्वाभाविक नियम से चलता है। उधर कुछ ही दिनों में शंकर का ऑपरेशन हो गया और अघोरी शंकर के शरीर में जिंदा रहा। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाले है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी के जैसा और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां के लिए वेबटून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए।